हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मॉर्निंग के बजे हुए हैं 4:40 एंड मैं सो करके उठ चुकी हूँ। थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद मैं कुछ देर के लिए स्टडी करूँगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा हुआ है क्योंकि बेटे को स्कूल के लिए तैयार भी करना होता है मॉर्निंग में, तो मैं कुछ वोकैब ही लर्न कर ले रही हूँ। सुबह सुबह मैंने वोकैब यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, उसका एक पेज कवर कर लिया। बेटा स्कूल जा चुका है एंड ब्रेकफास्ट भी बन चुका है और मैंने घर की साफ सफाई भी कर ली है। आप लोग टाइम देख सकते हैं, टाइम हो गया है 9:15 एंड अब चलती हूँ मैं अपने रूम में। मैंने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले लिए हैं और अब मैं अपने स्टडी टेबल पर जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अपने काम और अपनी स्टडी को स्लॉट्स में डिवाइड करके करती हूँ, तो अभी मेरा सभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने जो ज़रूरी काम थे उनको कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैं 9 से 11 बजे तक स्टडी करूँगी, जिसमें मैं करंट अफेयर नोट्स बनाऊँगी एंड उनको लर्न भी करूँगी। देन मैं इंग्लिश लिटरेचर का कुछ पार्ट कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है और नोट्स भी बन चुके हैं, मैंने इनको रिवाइज भी कर लिया है। अब मैं अपना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगी जो कि मेरा सब्जेक्ट है। इंग्लिश लिटरेचर मैं कुछ ऑनलाइन कोर्स से एंड कुछ लिटरेचर की मेरे पास एक बुक है उससे कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पहले तो मेरे पास 2 फ़ोन थे तो मैं आपको उसमें टाइम दिखा देती थी, लेकिन अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं आपको टाइम नहीं दिखा पा रही हूँ कि मैं किस तरह से स्टडी कर रही हूँ। मेरी मॉर्निंग की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है एंड अब मैं अपने घर के बाकी बचे हुए कामों को निपटाऊंगी, जिसमें मैंने सबसे पहले मशीन को लगा दिया है, उसके अंदर कुछ कपड़े डाल दिए हैं, कुछ और अभी बचे हुए हैं। देन मैं चलती हूँ अपनी किचन में। मैंने सुबह झाड़ू पोछा तो कर लिया था, लेकिन मेरा जो किचन का जो वर्क है वो अभी थोड़ा छूटा हुआ था, तो मैं फटाफट से लंच बना दे रही हूँ। देन रसोई को क्लीन कर लूँगी एंड फिर नहा लूँगी और कपड़े भी धुल जाएंगे। अब देखिए आप लोग, सब काम कंप्लीट हो चुका है, किचन का काम निपट चुका है, बाहर के काम भी निपट चुके हैं और मैं बिल्कुल नहा करके बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ। ये सब करने में मुझे लगभग 2 आवर का टाइम लग गया। अब मैं दोबारा से अपनी स्टडी टेबल पर आ जाती हूँ और यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो बुक्स हैं वो कुछ बेड पर भी बिखरी हुई हैं और कुछ मेरी टेबल पर भी बिखरी हुई हैं। ये फ्लोवर जब मैं छत पर कपड़े डालकर नीचे आ रही थी तब मुझे मिला था, तब मैंने इसको उठा लिया और अपनी स्टडी टेबल पर रख लिया। इससे बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है। और यहाँ पर मैं दोबारा से इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अभी इंग्लिश लिटरेचर में बिल्कुल 0 हूँ, तो मुझे अपने इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से स्ट्रोंग करना है, तो मैं उसी को कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ और अपनी स्टडी का ज़्यादा टाइम इंग्लिश लिटरेचर को ही दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, तो वो गुड न्यूज़ मैं आपको शेयर करती हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सीटेट की प्रिपरेशन करवाऊँ। यूट्यूब पर मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने मुझे बोला है सीटेट की प्रिपरेशन करवाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं इतनी सक्षम हूँ कि आप लोगों को मैं उस लेवल की प्रिपरेशन करवा सकती हूँ कि जिससे आपके 110 मार्क्स तक इजीली आ जाएं। बट उसके लिए आपको भी मुझे सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके सपोर्ट से ही मैं हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं आप लोगों से एक्सेप्ट करती हूँ कि आप लोग कम से कम 50 कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, ताकि मैं आपको स्टडी स्टार्ट करवा सकूँ। एंड आप फ्रेंड्स, जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, मैं आपको प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दूंगी। और आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मेरे पास सभी नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, उन्हीं को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और डिस्कस भी करूंगी, और कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आपको बता दूंगी जिससे कि आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है आप ज़रूर बताएं। और आप फ्रेंड्स, प्लीज़
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, यहाँ पर आपको सभी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। तो आज मैं देखूँगी कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, कितना अपना मानते हैं और आप लोग मुझसे कितने मोटिवेट हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊँ। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।